नमस्ते प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मात्राएं। हिंदी की सारे स्वरों की कुछ मात्राएं होती है। अभी तक हमने बहुत सारी मात्राएं पढ़ ली हैं। आपको प्रैक्टिस करके ही वो सारी मात्राएं आएंगी। अभी आपको वो अच्छे से नहीं आएंगी, पर आप सारी मात्राओं को बहुत सारा बार लिख के, बहुत सारी बार बोल के देखोगे तो आपको वो ज़रूर जल्दी से आ जाएंगी, क्योंकि वो बहुत ही आसान है। चलो हम आज देखते हैं एक बार हमने कौन कौन सी मात्राएं पढ़ ली हैं। हमने आ की मात्रा पढ़ी है, जो इस तरह से दिखती है और इस तरह से लगती है। इसका साउंड होता है आ, ये ल में लगाई तो ला। यह है ई, ये है उसकी मात्रा, छोटी ई की मात्रा। प में छोटी ई की मात्रा लगा तो बना पी। क में लगा तो बना की। च में लगा तो बना ची। यह है बड़ी ई की मात्रा, लॉन्ग ई साउंड। यह है बड़ी की मात्रा, ये र में लगा तो बना री। थ में लगा तो बना थी। फ में बना तो लगा फी, है ना। ई लॉन्ग ई साउंड, ये है शॉर्ट यू साउंड, ऊ साउंड। यह है ऊ से उल्लू, ये उसकी मात्रा। जैसे कि फ में लगी तो बनी फू। ऊ बड़े ऊ की मात्रा, ये रही। म में लगी तो ए की मात्रा इस तरह से बनती है। व में लगी जैसे तो बन गया वे, ए की मात्रा वे। ए की मात्रा किसी भी अक्षर में बन गई तो क्या साउंड हो जाएगा, कै, खै, गए, घए। ओ, ओ की साउंड प में लगी तो बन गई पओ, औ, पओ, पओ, सॉरी ओ की साउंड है ओ। और आज हम पढ़ने वाले हैं औ की साउंड, औ की साउंड, ठीक है। देखो आज हम ये साउंड पढ़ने वाले हैं, औ, आओ ओखली, आओ औरत का औरत। देखो इसमें से मैं ये हटा देती हूँ और ये मात्रा अलग करके यहाँ लिख देती हूँ, है ना। ये हटा दिया और इस डंडे को और ऊपर की दो स्लैंटिंग लाइन को यहाँ रख दिया। ये काय की मात्रा है, ये है औ की मात्रा। किस चीज़ की मात्रा है, औ। इसका साउंड क्या है, औ। इसका क्या था, ओ। ये कौन सा साउंड है, औ। ये ओ, ये औ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इस पे दो ऊपर दो स्लैंटिंग लाइन है, इस पे एक ही था। तो ये मात्रा किसी भी अक्षर में लगती है तो उसका साउंड कैसे चेंज होता है, आओ हम देखते हैं। चलो बच्चों हम पढ़ते हैं औ की मात्रा, जो ऐसे दिखती है, एक स्टैंडिंग लाइन, ऊपर से दो स्लैंटिंग लाइन, है ना। इसको मैंने एक जगह बंद करके आपको दिखा रही हूँ। ये है औ की मात्रा, औ से औरत वाले औ की मात्रा। इस अ को हम हटा देंगे तो ये जो पार्ट बचा है हम इसको औ की मात्रा बोलते हैं। चलो अब हम इन्हें अलग अलग अक्षरों में लगा के देखते हैं कि ये मात्रा किसी भी अक्षर का साउंड कैसे बदल देती है। ये क्या है, क। क में हम कौन सी मात्रा लगाने वाले हैं, औ की मात्रा। कैसे लगेगी, एक डंडा, ऊपर से दो स्लैंटिंग लाइन, है ना, ऐसी दिख रही है ना। तो ये क्या बन गया, क। क में औ की मात्रा क। ख में औ की मात्रा ख। ग, ग में औ की मात्रा, एक स्टैंडिंग लाइन, ऊपर से दो स्लैंटिंग लाइन, गौ। ये क्या है, घ, मैंने लिखा घ। इसमें किस चीज की मात्रा लगाई, औ। ये क्या है, घौ। ये क्या है, च। च में किसकी मात्रा, औ की मात्रा। चौ में आ, च में आओ की मात्रा, चौ। छ, छ में औ की मात्रा,
छौ। ज, ज में अ की मात्रा जौ। झ, झ, झ में अ की मात्रा झौ। ट में अ की मात्रा टौ। ठ में अ की मात्रा ठौ। ड में अ की मात्रा डौ। ढ में अ की मात्रा ढौ। ण में अ की मात्रा णौ। त में अ की मात्रा तौ। थ में अ की मात्रा थौ। द में अ की मात्रा दौ। ध में अ की मात्रा धौ। तो बच्चों, आज हम मात्राएं ज्ञान में पढ़ने वाले हैं। अ की मात्रा, मैं हूँ राशि मैम और हम पढ़ रहे हैं मात्रा ज्ञान। आज कौन सी मात्रा पढ़ने की बारी है? नमस्ते बच्चों, तो आज हम मात्रा ज्ञान में कौन सी मात्रा पढ़ने वाले हैं? अ की मात्रा। अ की मात्रा इस तरह से बनती है। अ कैसा दिखता है? ऐसे, है ना। अ में से कैसे दिखता है, एक और बार बनाती हूँ। अ और उसके पीछे एक ऐसा डंडा होता है और दो ऊपर मात्राएं होती है, ये है अ। इसमें से ये अ हटा दो तो जो बचा वो है अ की मात्रा। अ से क्या होता है, औरत। उसका अ हटा दिया तो क्या बन गया, ये बचा। देखो, ये हटा दिया तो क्या बचा, इस तरह का कोई शेप बचा। ये किस चीज़ की मात्रा है? अ की मात्रा। अ की मात्रा, ये कैसी मात्रा थी? ओ की मात्रा। ये अ की मात्रा, ओ औ, ओ औ, ठीक है। तो आज चलो हम देखते हैं अ की मात्रा किस तरह से लगती है। ये है क, मैं लिखती हूँ इधर क, उसमें अ की मात्रा क्या बन गया, क। क में अ की मात्रा क। ख, ख, ख में अ की मात्रा लगा के क्या बनता है, ख। ग, ग में अ की मात्रा ग। ग, घ, कौन सी मात्रा लगाना है, अ की मात्रा, एक डंडा और ऊपर दो स्लैंटिंग लाइन, घ। च, च, च में अ की मात्रा च। छ, छ में अ की मात्रा छौ। ज, ज में अ की मात्रा जौ। झ, झ में अ की मात्रा झौ। स में अ की मात्रा फौ। ब में अ की मात्रा बौ। भ में
अ की मात्रा भ, म में अ की मात्रा म, य में अ की मात्रा य, र में अ की मात्रा र, ल में अ की मात्रा ल। बच्चों, ये अक्षर के आगे जो एक डंडा लगा है और ऊपर से जो दो स्लैंटिंग लाइन है, ये किस चीज की मात्रा है? अ की मात्रा। इसका साउंड कैसे होता है? अ, जैसे म में लगाया तो म, य में लगाया तो य, भ में लगा दिया तो भ, इस तरह से इसका साउंड होता है अ। ठीक है, अ की मात्रा, अ से औरत की मात्रा। तो बच्चों, इसे लिखो और बोलो, बोलने की प्रैक्टिस करो। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।